करते हैं यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम फोन ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने ये वीडियो बनाया था आपके सामने, जिसमें हम एक मोबाइल नंबर ले रहे हैं और दूसरा एक बटन लगाया हुआ है। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे एक एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ जिसमें मैं कोड लिखूंगा और सेंड कोड पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर बात यहाँ तक? मैंने इन दोनों के बटन बनाए हुए थे, ऑथ मैंने बनाया क्योंकि ये भी मेरा ऑथेंटिकेशन होता है। मैंने इसको मेमोरी एलोकेट की है। ये दो बटन हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाए थे, एक बटन बनाया था। मैं पहले वाले एडिट टेक्स्ट से बेसिकली मैं मोबाइल नंबर वहाँ पे दे रहा हूँ, वैल्यू गेट की है। मैंने लेंथ बताई है कि अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा ग्रेटर है तो जो नीचे वाले दो हैं उनको विजिबल कर दे, अदरवाइज वो नीचे वाले जो दो हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे जहाँ पे आपने कोड एंटर करना है। क्लियर? उसके बाद सेट विजिबिलिटी, उसको मोबाइल पर भी रन कर देता हूँ। ये अगर 0 से कम है, मतलब कोई भी एंटर नहीं किया, तो ये फिर आपको इनविजिबल रखे उसको। क्लियर? नीचे ये आपका कोड था जिसमें आपने मोबाइल नंबर देना था और ये सारा कोड था जिसके थ्रू आपका मैसेज जाता रहा, उस मोबाइल नंबर पे कोड आता है। ये मैंने ऑन वेरिफिकेशन किया था, इस पर भी हमने डिस्कशन की थी। ये साइन इन है जिसके थ्रू आपका सेव भी हो रहा है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम साइन इन करेगा। क्लियर बात यहाँ तक? मैंने आपको कहा था फर्स्ट टाइम साइन अप करता है, उसके बाद क्या करेगा, वो साइन इन करेगा। ये आपका सेंड कोड है, ये बेसिकली इसमें सेव करवा रहा था। ये आपकी, मैं ये ओपन करता हूँ ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन के अंदर अभी प्रोवाइडर अभी कौन से यूज़ हो रहे हैं, ईमेल के यूज़ हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोन को इनेबल कर दिया था क्योंकि हमने फ़ोन यूज़ करना है। आपका एमुलेटर मैंने यहाँ पे रन किया है बट रन नहीं हुआ, सॉरी। ये मोबाइल पर भी इसने रन किया दिखाया आपके। मैं आपको एमुलेटर पे इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, लेकिन मैं रन इसको अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क पे चलेगा, आपका एमुलेटर पे नेटवर्क नहीं होता। ये फोन हम बेसिकली लगाते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने लॉगिन करना है, आपने वहाँ पे लॉगिन के अंदर कोड लगाया होता है कि ईमेल एंड पासवर्ड, जो हम अभी काम कर रहे थे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करते हो, वो ईमेल एंड पासवर्ड देता है और आपने जो कंडीशन लगा दी टास्क इज सक्सेसफुल तो इंटेंड करा दे, फर्स्ट स्टेप में आप करा दो। कुछ सिनेरियो में उन्होंने ये लगाया होता है कि अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड करेक्ट हो जाता है तो उसको साइन इन नहीं करता, क्या करता है वो उसके नंबर पे मैसेज सेंड करता है कोड, और अगर वो कोड सही दे दें तो सेकेंड स्टेप के बाद जाके वो क्या करता है, उसको साइन इन करता है। डन, ये वही हमने काम किया हुआ। ये आपने बेसिकली उसके बाहर लगाना होगा अगर आपने लगाना चाहे। ये हमारा है फोन ऑथेंटिकेशन का, मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हम बेसिकली मोबाइल नंबर दे रहे हैं, कुछ भी आपने मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, ये देखो आपको उनसे दो एडिटेक्स नजर आएगा, एडिटेक्स नजर आ रहा है, कोड यहाँ पे हमने कोड देना है, लेकिन मुझे अभी तक आपका बेसिकली कोड रिसीव नहीं हो रहा। यहाँ पे गलती, जब मैंने आपको लास्ट टाइम में कहा था गलती हमारी है, वो गलती यार यहाँ पे ये थी कि आपका सारा कोड ठीक था, जस्ट हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ ना कॉन्कैटिनेट करवाना है +92 कोड, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर ये आपका वही दे रहा है, ओके। मोबाइल नंबर जो है इसके स्टार्ट में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, +92 कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या है, +92, और जो मैंने इनपुट दिया दोनों को मिला रहा है। डन, उसके बाद ये सेंड करेगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद बेसिकली मैं जस्ट इसको इंटेंड करा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर साइन इन आपका ओके हो जाता है तो एड ऑन कम्प्लीट के अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, उसको कौन से पेज पे भेज रहा हूँ, वेलकम एक्टिविटी पे। सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आपको यूजर्स में दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा अभी कोई, ये नंबर मेरा रजिस्टर्ड नहीं है। इस बैक फोन ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं,
नंबर दे रहा हूं मैं, सेंड पे क्लिक किया, इट इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे कर देता हूँ, मैं फोन ऑथेंटिकेशन में कर रहा हूँ, ये आपके सामने है, मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अब सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे मैसेज आ जाएगा एक कॉल। ये देखिए फोन नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ, नंबर प्रोवाइड किया, सेंड पे क्लिक किया। ये देखिए मुझे ऊपर कोड आ रहा है, फोन कोड, मैंने यहाँ पे फोन कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली देखें लॉगिन हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा देखिए यहाँ पे नंबर भी रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। और इसकी आईडी D93 है, और यहाँ पे देखो वो वही उसकी आईडी दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है D93 का। अब इसको अगर आप यहाँ पे करोगे ना गेट ईमेल, जिस तरह हम लिखते थे ईमेल, आपको नहीं रिटर्न कर रहा, क्योंकि आपका ईमेल के थ्रू नहीं हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, नंबर के थ्रू हुआ है। डन के बाद यहाँ तक, ओके नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे काम कर देते हैं। अच्छा एक और चीज है, ये ऑन वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑन वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे साइन इन नहीं करते हो ना, अगर आप यहाँ पे कमेंट्स कर देते हैं, साइन इन का फंक्शन मैं नीचे कॉल कर रहा हूँ ये वाला, इसके बाद ठीक है। अब ये होगा क्या, आपको कोड आएगा, आप जब तक नीचे कोड एंटर नहीं करोगे तब तक ये लॉग इन नहीं करेगा, क्लियर बात यहाँ तक। लेकिन अगर आप ये वाला फंक्शन नीचे भी कॉल कर रहे हो, इधर भी कॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा जैसे आपको मैसेज रिसीव होगा ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा, क्योंकि इसको पता है कोड हमें मिल गया है। ये आपके ऐप्स के अंदर होता है ना इस तरह का, आपको हर जगह कोड लिखना नहीं पड़ता, तो अगर आप कोड यहाँ पे करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसको साइन इन कर देगा जैसे इसको कोड रिसीव हुआ है, जब तक इसको मैसेज नहीं आ रहा वहां से, राइट। और ये ऑन वेरिफिकेशन फेल्ड का मतलब यार ये है, इसमें टोस्ट आपने बेसिकली करना होगा कि अगर फेल्ड हो जाता है कि वो अगर कोड गलत दे देता है या उसको नहीं आता, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है, 60 सेकंड तक नहीं आता, तो ये फेल्ड होता है आपका। तो यहाँ पे उसने क्या चलाना है, यहाँ पे आपने टोस्ट कराना है, जो भी करवाना होगा एक्सेप्शन का, आप यहाँ पे डॉट टोस्टिंग कर दो, क्लियर बात यहाँ तक। ओके अच्छा ये हमारा काम हो गया, नेक्स्ट काम अब हमने यहाँ पे एक और करना है, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आता हूँ। मेन एक्टिविटी के अंदर यार मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ था इमेज का जो हमने लास्ट में देखा था, क्लियर। यहाँ पे भी आपको मैंने सबसे पहले हमने ऑथेंटिकेशन देखी थी ईमेल पासवर्ड के थ्रू, फिर मैंने आपको क्या करवाया था सिंपल एक डेटाबेस, फिर उसे नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था कि एक पूरा फॉर्म है, दो वैल्यूज हम ऑथेंटिकेशन भेज रहे थे, बाकी वैल्यूज कहाँ भेज रहे थे, डेटाबेस में, डन। अच्छा अब उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया, जस्ट स्टोरेज के इमेज में कहाँ पे भेज रहा हूँ, स्टोरेज में। अब हमने क्या करना है, जिस तरह मैंने ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस को आपस में लिंक किया था, किस तरह लिंक किया था कि ऑथेंटिकेशन की आईडी मैंने कहाँ पे सेव करवा दी थी, डेटाबेस में आपस में लिंक हो गए थे कि यार ये जो रिकॉर्ड है ये इस आईडी का है, क्लियर। अब हमने ये करना है स्टोरेज के अंदर, जब आप कुछ भी सेव करवा रहे हो ना, देखो स्टोरेज के अंदर अभी आप पुट फाइल वगैरह कर रहे हो, अब इसमें मसला ये आ रहा है, एक तो मसला ये आ रहा है कि आप एक नाम फिक्स कर रहे थे या उसी नाम से रख रहे हैं, बार बार उसको रिप्लेस कर रहा है, हमने नाम वो पिक करना है जो उस इमेज का नाम होगा, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर बना तो रहे, लेकिन इसके अंदर मसला ये आ रहा है, मुझे नहीं पता यार ये इमेज किस की है, मैंने यूजर्स इतने सारे ऐड किए हैं, उन्होंने यूजर्स ने अपनी प्रोफाइल डीपी दी है, अब वो डीपी यहाँ पे इमेज सेव हो रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है किस किस यूजर की है, डन।
अच्छा अब मैंने यार यहाँ पे ये करना है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, डेटाबेस में तो कर सकता था, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि जब ये इमेज आपकी स्टोरेज के अंदर आती है ना, जब तक यहाँ पे सेव्ड है, ये ना एक यूआरएल आपको प्रोवाइड करती है, ये डाउनलोड यूआरएल, ये देखें, ये डाउनलोड यूआरएल का मतलब ये होता है, अगर आप इस यूआरएल को ब्राउजर पे नेट पे रखते हो ना, ये आपको ये वो वाली इमेज शो कर देगा। क्लियर? ये अभी क्या करेगा, वो वाली इमेज शो कर देगा कि कौन सी वाली इमेज है, मतलब आपको ये यूआरएल की जरूरत होगी, यूआरएल अगर आप कहीं भी पेस्ट करोगे आपको इमेज शो हो जाएगी। डन बात यहां तक। मैंने बेसिकली ये यूआरएल कहां पे सेव कराना है, डेटाबेस में, बाकी स्टोरेज के अंदर ये सेव है, मुझे इससे मसला नहीं है, लेकिन सेव होना जरूरी है, अगर सेव डिलीट कर दोगे तो यूआरएल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। ठीक है, मैं स्टोरेज के अंदर जाके पिक नहीं करूंगा, इसका यूआरएल कहां सेव कर दूंगा मैं, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में मेरे पास उसका इमेज का भी यूआरएल होगा, बाकी सारी इसकी वैल्यूज भी होंगी और ईमेल एंड पासवर्ड के साथ भी उसका कनेक्टिविटी लगी होगी। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब मैंने तीन काम करने होंगे, एक ऑथेंटिकेशन, एक डेटाबेस और तीसरा स्टोरेज। सबसे पहले मैं काम किसका करूंगा, जरा मुझे बताओगे, इसको जरा अरेंजमेंट करो। लास्ट टाइम हमने किस तरह काम किया था, मैंने ऑथेंटिकेशन पहले की थी या डेटाबेस पहले की थी? उसके बाद ऑथेंटिकेशन तो पहले की थी मैंने, इसकी रीजन बताई थी आपको, क्योंकि आपको मैंने कहा था, क्योंकि हमने डेटाबेस सेव करवानी है, अभी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यूआईडी के थ्रू। तो यूआईडी आपकी तब बनेगी जब ईमेल सेव होगा, और ईमेल को हमने पहले इसलिए सेव करवाया, हो सकता है इस तरह का पहले का ईमेल बना हुआ हो तो दोबारा वो रजिस्टर्ड डेटाबेस में तो सिंपल सेम वैल्यूज उसने रजिस्टर्ड कर देनी है, लेकिन ऑथेंटिकेशन के अंदर सेम वैल्यूज दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगी। पासवर्ड सेम हो सकते हैं लेकिन ईमेल सेम। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रखा कि अगर ऑथेंटिकेशन होता है, टास्क इज सक्सेसफुल, तब जाकर उसके अंदर मैंने कोड किसका किया था, डेटाबेस का। डन। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मैंने इसके साथ स्टोरेज को भी रखना है, स्टोरेज को मैं कब रखूंगा, सीक्वेंस बता सकते हो क्या बनता है? बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन पहला स्टेप होगा, जरूरी है आपका, उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि आपने स्टोरेज का यूआरएल कहां पे सेव कराना होगा, डेटाबेस में। अगर आप डेटाबेस कर लेते हो पहले, तो यूआरएल कैसे सेव करवाओगे? क्लियर बात यहां तक? ओके, ये आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये मेरे पास स्टोरेज का कोड है, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, ये हमने कोड सारा कर लिया था। मैं इन सारे कोड को रिमूव करता हूँ, दोबारा से करते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। अच्छा, जो मेरे पास जो इसका फॉर्म है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लेआउट है, ये लेआउट मैंने ये बनाई हुई है, ईमेल पासवर्ड नेम फादर नेम एज और स्पिनर और इमेज व्यू। डन। मैंने सारे रिकॉर्ड सेव करवाने, सारी वैल्यूज मैं गेट कर रहा हूँ, स्पिनर की वैल्यू ये आ गई है, ये हमने लास्ट में कोड किए हुए हैं। डन। ठीक है, उसी को यूज कर रहे हैं। सारे एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इमेज व्यू की वैल्यू हमारे पास कहां से आ रही है, इमेज व्यू का कोड कहां पे हुआ हुआ है, इमेज व्यू का यहां पे कोड नहीं हुआ हुआ है, इमेज यू वाले तो ये लिखा हुआ है, इमेज व्यू ये गैलरी ओपन कर रहे हैं, ये लास्ट में हमने देखा था, ये कोड किसका है, गैलरी ओपन करने का, और यहां पे ये आपका हुआ हुआ है कोड ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर, के ये आपका इमेज सेव किसके अंदर करा रहा है, आपकी इमेज के अंदर यू डिस्प्ले करा रहा है। क्लियर बात यहां तक? और यूआरआई कौन सी है हमारे पास, इमेज यूआरआई, यही हम उसके अंदर दे रहे थे कि इस यूआरआई की इमेज वहां पे अपलोड कर दे। हमारी इमेज किसके अंदर सेव हो रही है, ये हमने एक्स्ट्रा काम किया था, नहीं करना चाहो ना करो, ये है कि सिलेक्ट करने के बाद आपको उस इमेज पे प्रीव्यू नजर आए कि आपने कौन सी इमेज सिलेक्ट की है, वरना इसके अंदर आपकी इमेज सेव हो रही है URI के अंदर। URI आपका बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसके अंदर URI बेसिकली हम कहते हैं एड्रेस, पाथ का एड्रेस, जिस तरह आपका होगा, आपकी एक आपकी इमेज पड़ी हुई मेरी सी ड्राइव के अंदर जाके, ABC का फोल्डर के अंदर जाके, XYZ के फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है 12.jpg के नाम से। मैं आपको कहूंगा इसका URI की, आपका होगा C://
ठीक है, उसके बाद एबीसी स्लैश एक्सवाइजेड स्लैश 1 2 डॉट, जो यूआरएल आपका हो गया ना इसका पाथ, उस पाथ को बेसिकली हम कहते हैं यूआरआई। और यूआरएल बेसिकली क्या होता है, यूआरएल आपका होता है हाइपर टेक्स्ट www.google.com, वो हमारा क्या होता है यूआरएल। और यूआरआई बेसिकली उस डेटा का एड्रेस, मतलब आप इजी वर्ड में कह दो पाथ, फाइल पाथ, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको हम, फाइल पाथ को कहते हैं, ठीक है। ओके, सारा हमारे पास आ रहा है, हमने यहाँ पे हम कहेंगे जब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूं, यहाँ पे हमने बेसिकली कोड करना है, क्या कोड करना है, यहाँ पे ऊपर आके मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे पाथ का ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है, मेमोरी भी एलोकेट की है, रेफरेंस का भी किया हुआ है, ये कौन सा रेफरेंस है, स्टोरेज रेफरेंस, इसकी मेमोरी भी एलोकेट की हुई है और डेटाबेस रेफरेंस की भी है, लेकिन किसके अंदर सेव करवा रहे हैं हम, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पे आपके बेसिकली दो बने हुए होंगे, लेकिन जो हम ईयर डेटा स्टोर करा रहे हैं किसके अंदर करवा रहे हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके दो बने हुए ट्री, लेकिन हम किसके अंदर करवा रहे हैं, सॉरी एक ही बना हुआ, डिलीट कर दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड, अगर आपने चेंज करना है आप कहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर नहीं, मैंने एबीसी के अंदर कराना है, आप यहाँ पे एबीसी लिख दो। अब यहाँ पे एबीसी नाम का एक नया ट्री बन रहा होगा और सारे रिकॉर्ड, अब आपकी हो सकता है ना दो आपने वहां पर रजिस्टर्ड हो रहे होंगे अकाउंट, एक एम्प्लॉय और एक स्टूडेंट, तो आप उन दोनों के ट्री क्या करोगे, अलग-अलग, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के इतना बन रहा होगा और एक किसके बन रहे होंगे, एम्प्लॉय के, क्लियर बात, यहां तक एक से ट्री हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया, अच्छा अब जरा नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं इसके अंदर कोड करना है सारा, इसके अंदर हमने कोड करना है, यहाँ पे करते हैं कोड, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल किसके अंदर सेव है, साइन अप ईमेल कोमा स्पेस साइन अप पासवर्ड, क्लियर बात, यहां तक इतना कोड कर लोगे क्या होगा, आपका ईमेल और पासवर्ड सेव हो जाएगा, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स लेना है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू, एक ही बात है ऑन कंप्लीट और ऑन सक्सेस, ठीक है, ठीक है, ऑन सक्सेस और ऑन कंप्लीट में फर्क क्या है, ऑन सक्सेस के अंदर जस्ट सक्सेस की बातें और जितना आप टास्क सक्सेसफुल आप कंडीशन लगाते हो ना, उसका मतलब है एड ऑन सक्सेस आपका तभी चलता है जब चीज हुआ है, काम हुआ है, ठीक है, एड ऑन फेलियर कब चलेगा, जब वो फेल हुआ है, एड ऑन कंप्लीट के अंदर आपका सक्सेस भी आता है आपका फेलियर भी आता है, क्लियर, तभी आप अंदर कंडीशन लगा रहे होते इफ टास्क इज सक्सेसफुल ये कोड चले एल्स, लेकिन एड ऑन सक्सेस में आपका तभी चलता है अगर मेरा कोड कंप्लीट हुआ है, सक्सेस हुआ है, अगर बीच में स्टॉप हुआ है, फेलियर हुआ है, फिर आपका नहीं चलेगा, क्लियर, एड ऑन कंप्लीट लिसनर ऑन कंप्लीट, बस ये तीन किस्म के इसके अलावा नहीं होते, ऑन कंप्लीट लिसनर, हम यहाँ पे ऑन फेलियर भी लगा देते हैं, एड ऑन फेलियर न्यू ऑन फेलियर, ये बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन का टोस्ट ईमेल पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, सेव नहीं हो रहा तो उसकी रीजन यही होगी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन हम ये नहीं देते, हम यहां पे एक्सेप्शन का आंसर दे देते हैं, टोस्ट e डॉट टू स्ट्रिंग डन, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ टास्क इज सक्सेसफुल, इज सक्सेसफुल का मतलब ये है कि मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है, मतलब ऑथेंटिकेशन मेरी कंप्लीट हुई है, अगर नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे कहूँगा ईमेल पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन अगर मेरा बना है, अब इसके बाद मैंने काम क्या करना है, नॉट डेटाबेस स्टोरेज का काम करना है, स्टोरेज का क्या हम किस तरह करेंगे, लास्ट टाइम हमने सेव करवाई थी किस तरह करवाया था, उसका नाम क्या रखा था हमने स्टोरेज रेफरेंस का, ओके इधर देख लें आप लोग, यहाँ पे आपका स्टोरेज रेफरेंस का ऑब्जेक्ट किस नाम से, एस रेफरेंस की हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी है स्टोरेज की, डन, नीचे आते हैं वहीं पे कोड में, मैं यहाँ पे कोड ये लिखता हूँ
यहाँ पे एस रेफरेंस डन डॉट डॉट चाइल्ड, इसका चाइल्ड हमने क्या बनाना है, डॉट चाइल्ड हम यहाँ पे कर देंगे कि एक इमेजेस का फोल्डर बने, ठीक है। उसके बाद डॉट चाइल्ड एक और बना देते हैं कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि स्टूडेंट और एम्प्लॉय के लदे लदे बने। अभी मैं रिकॉर्ड किसके बना रहा हूँ, स्टूडेंट के, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट का फोल्डर बन जाए। और जब मैं एम्प्लॉय का रजिस्टर कर रहा हूँ तो वहां यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ताकि सबकी इमेजेस मिक्स ना हो। क्लियर बात, यहाँ तक ये स्टूडेंट के अंदर सेव हो रही होंगी और वो किसके अंदर हो रही होंगी, इमेजेस एम्प्लॉय के अंदर, ये आपकी इमेजेस और स्टूडेंट के अंदर डॉट चाइल्ड। अब यहाँ पे इस चाइल्ड के अंदर मैंने बेसिकली इसका नाम बताना है। अभी अगर मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ एबीसी डॉट जेपीजी, आप जितनी बार इमेजेस सेव करवाओगे किस नाम से सेव करेगा, एक ही को रिप्लेस करेगा, डन। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्टोरेज रेफरेंस रेफ इज इक्वल टू एस रेफरेंस दिस, और इसके बाद मैं कोड अब क्या करूंगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था REF डॉट पुट फाइल, फाइल हमारी किसके अंदर है, क्या नाम रखा था इसका हमने, इमेज URI। आप यहां पे लिखेंगे पुट फाइल इमेज URI, आपने इतना काम कर दिया, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, डन। लेकिन मैंने इसका भी रिस्पॉन्स लेना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर न्यू ऑन कंप्लीट, और यहाँ पे भी लगा देंगे डॉट एड ऑन, इसका भी फेलियर लगा देता हूँ, न्यू ऑन फेलियर, ठीक है। इसका टोस्ट करा देते हैं, यहाँ मैं टोस्ट करा देता हूँ ई डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम कंडीशन ये लगा देते हैं इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल तो क्या काम करे, एल्स में मैं यहां पे लिख देता हूं, टोस्ट कर देता हूं इमेज नॉट अपलोडेड, ये बेसिकली हम अपलोड करा रहे हैं, ठीक है। और इस टास्क सक्सेसफुल के अंदर मैंने यहां पे क्या करना होगा, यहां पे मुझे क्या चाहिए होगा, इमेज का URL चाहिए। अब URL आपको कैसे मिलेगा, जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो इमेज आपकी सेव किसके अंदर हो रही है, REF के अंदर। मैं यहां पे लिखूंगा REF डॉट गेट डाउनलोड URL REF डॉट, क्योंकि आपका बेसिकली पुट फाइल किसके अंदर हो रही है, REF के अंदर, REF डॉट गेट डाउनलोड URL के, मुझे डाउनलोड URL मिल जाए, डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्नर, ये आपको सक्सेस के थ्रू मिलेगा, न्यू ऑन सक्सेस लिस्नर। अब यहां पे अब आप आएंगे, ये आपके अंदर अंदर बेसिकली बन रहा है, और यहां पे अब हम यहां पे आके लिखेंगे, मैं ऊपर ही बना देता हूं, इमेज URL के नाम से मैंने बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज URL। बेसिकली इमेज URL मेरा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू URI डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी URI वो आपके किसके अंदर आ गई है, URL आ रहा है, मैंने लिख दिया URI डॉट टू स्ट्रिंग, जो URL आ रहा होगा वो किसके अंदर सेव हो गया हमारी। अच्छा, यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि इसको फाइनल करो, ये आपका ऑटोमेटिकली फाइनल हो गया। क्लियर बात, यहाँ तक हमारे पास URL आ गया है, ओके। URL आने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर कोड करेंगे, क्या करेंगे अब हम, स्टूडेंट, अब डेटाबेस के अंदर करवाना है, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास ओपन करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की हुई, वो क्या मिस की हुई है, मैंने यहाँ पे एक मिस की हुई है, ईमेल नेम पासवर्ड में कराना नहीं चाह रहा हूँ, फादर नेम एज और कंट्री एक रहता है, वो क्या रहता है हमारा, क्या इमेज का URL, हमने इमेज URL सेव नहीं करा रहे, डन। इसका एक वेरिएबल बना दिया और कंस्ट्रक्टर दोबारा बनाते हैं ताकि उसके अंदर आपका इमेज URL आ जाए, पहले आपका इमेज URL सेव नहीं हो रहा था,
हमने अब इमेज यूआरएल एक नई चीज ऐड की है, तो हमने इसका यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वन ईमेल, नेक्स्ट वन नेम। ईमेल मेरा किसके अंदर है, साइन अप ईमेल, साइन अप नेम, दिस इज साइन अप, सॉरी वो नेम के नाम से। नेक्स्ट वन फादर नेम, एज कंट्री, एफ नेम, एज कंट्री, एंड द लास्ट वन इज इमेज यू आर एल। इमेज यू आर एल मेरा किस नाम से, यहाँ पे मैंने इसका क्या नाम रखा हुआ इमेज। ये सारी वैल्यूज अभी किसके अंदर सेव हो गई हैं, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ था, आप अगर आप ऊपर आते हैं, डेटाबेस रेफरेंस का नाम क्या रखा हुआ है, रेफरेंस के नाम से मैं यहां पे लिखूंगा रेफरेंस डॉट, किस किस ना वैल्यू सेट करते हैं, डॉट चाइल्ड। पहले हमने चाइल्ड लगाए थे ना, चाइल्ड के अंदर हमने यहां पे क्या दिया था, ऑथ डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट डॉट गेट यू आई डी, ठीक है, ताकि उसका जब भी हमने यूजर बनाया उसके यू आई डी यहाँ पे उसका चाइल्ड बने। डन। डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू के अंदर क्या पास कर देंगे, यस। जहां तक आपका ये हो गया, मैंने रिस्पॉन्स लेना है, तो डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पे एक लास्ट वन हमारा यहाँ पे रह गया है, डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर, न्यू ऑन फेलियर लिसनर। यहाँ पे टॉस करा देते हैं, ई डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या करा देंगे, इफ टास्क इज सक्सेसफुल तो काम क्या करे, एल्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टॉस करा दूंगा, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड, और यहां पे मैं करा दूंगा टोस्ट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, यहां तक हमारा यहां पे काम होगा। इसको अब हम चला के देखते हैं, देयर इज एन एरर, एरर कहां पे आ रहा है, चलाते हैं हम। चेक करें, ये मैं सारे ओपन कर रहा हूं, ये आपका ऑथेंटिकेशन है, ये आपकी डेटाबेस है, और यहाँ पे हमने बेसिकली ट्री का नाम एबीसी रखा हुआ था कि आपकी ट्री का नाम एबीसी है, और ये आपकी स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर जो आपका सेव हो रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी खाली कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ कि इमेजेस के अंदर कुछ भी ना हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ये आ जाएगा। डन। यहाँ पे हम वैल्यू दे देता हूँ a@gmail.com,
पासवर्ड दे देते हैं। क्रिएट अकाउंट किया मैंने, ये देखिए आपका एबीसी नाम का बन गया। हमारे यहाँ पे देखते हैं, मैंने a@gmail.com के नाम से बनाया, आपका बन गया a@gmail.com। इसकी यूआईडी क्या आ रही है, r small r o b f। अब यहाँ पे देखें वही यूआईडी है। इसके अंदर आते हैं, एज, कंट्री, ईमेल, फादर नेम, नेम, और ये आपको कौन सा यूआरएल दे रहा है इमेज का। इसको यहाँ से अगर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको यूआरएल, डबल कोट्स आ रहे हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। और इसको भी अगर हम चेक करते हैं स्टोरेज के अंदर, हमारी सेव हुई है स्टोरेज के अंदर। अगर आप चेक करते हैं, आपकी यहाँ पे एक फाइल आई है, इमेजेस के नाम से फोल्डर बना है, मैंने ये रखा हुआ था। उसके अंदर चाइल्ड किस नाम से बनाया था मैंने, स्टूडेंट के नाम से एक और फोल्डर बना, ठीक है। उसके अंदर हमने किस नाम से रखा था, abc.jpg, इस फाइल का नाम इसने क्या रख दिया। लेकिन अब मसला ये है, मैं दोबारा अगर करता हूँ तो वो इस इमेज को रिमूव कर देगा और इसी नाम से। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी इस इमेज का नाम है ये वही पिक करे। इसका एक एल्गो है, ये मेरे पास यहाँ पे हुआ हुआ है, आपने जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। इसको आप सबसे एंड पे आके बेसिकली पेस्ट कर दीजिए अपने जहाँ पे भी करना। ये आपका बेसिकली एल्गो है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका फंक्शन है जिसमें इन्होंने किया हुआ है कि आपने फंक्शन कॉल करना है और इसके अंदर क्या पास करना है, यूआरआई आपके पास आई हुई उस इमेज की, ठीक है। ये सारा उसने एल्गो किया हुआ है जहां से वो ऑटोमेटिकली क्या गेट कर लेगा, उसका डिस्प्ले नेम, जो भी आपकी जिस इमेज आपके नाम से सेव हुई भी, वो ऑटोमेटिकली करके क्या रिटर्न कर रहा है, उसका नाम, रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर आपका बेसिकली सेव हो रहा है, क्लियर। अब आपने कॉल कहाँ पे करना है, इसको आपने इसको मैं कॉल यहाँ पे कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज नेम के नाम से, डन। आपकी इमेज गेट कहाँ पे हो रही है, वो यहाँ पे कर रहा है गेट दिस वन। मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूआरआई आ रही है। मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट फाइल नेम, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इमेज दे दिया, और इसको सेव किस में करा देंगे, इमेज। तो आपको इमेज नेम रिटर्न कर रहा है, बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न टाइप है इसकी, डन। अब मैं यहाँ पे ऊपर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे जो मैं abc.jpg रख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब जो भी आपकी गैलरी में जो आपकी जिस नाम से इमेज होगी, उसी नाम से ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको अपलोड करता रहेगा। तो आपको पता है आपकी गैलरी में जितनी भी इमेजेस होती हैं वो डिफरेंट नेम्स की होती है, क्लियर बात यहाँ तक। या अगर आप कोई तस्वीर कैप्चर करते हो तो वो भी आपकी कभी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसका वो जो नाम आ रहा होता है, आपने कभी नाम देखा जो आप इमेज कैप्चर करते हैं, वहाँ पे आपकी डेट आ रही होती है, टाइम आ रहा होता है, वो टोटली नाम डिफरेंट होता है। कभी चेक करना, कैप्चर करते हो आपने मोबाइल में जाके इमेज का नाम देखना, डिफरेंट होता है, क्लियर। अब इसको चला के देखते हैं,
मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे आप चेक करें एबीसी के अंदर इसने आना है, तो एबीसी के अंदर एक और आईडी जनरेट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली एक और आईडी आ गई एबीसी के अंदर। अब आईडी के अंदर देखें मैंने ये रिकॉर्ड सेव करवाया, इसका भी यूआरएल आ रहा है इमेज का। अगर आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर देखें, ये आपका बेसिकली b@hotmail.com के नाम से मैंने ईमेल कराया, ये आपका देखें b@hotmail.com, ठीक है। ये आपको प्रोवाइडर बता रहा है ईमेल एंड पासवर्ड है, जब फोन से करोगे तो फोन का सिंबल आएगा। और डेटाबेस भी आपने देख लिया है, ये यूआरएल आ रहा है इमेज का, ये भी आपने देख लिया है। और अगर यहाँ पे देखते हो, मैं इसको स्टोरेज को दोबारा ओपन करता हूँ, इमेजेस के अंदर जाते हैं। अब आपको पता है आप इमेज के नाम से आएगा, डन स्टूडेंट, जो मेरी जिस इमेज के नाम से मेरी सेव हुई है उसी नाम से क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है और दिखा रहा है एमबीज। और ये क्लियर बात यहाँ तक। और वो जो यूआरएल आपका सेव कर रहा है ना यार, वो यूआरएल आपका यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है फाइल लोकेशन के अंदर आके, ये यूआरएल होता है, हम बेसिकली ये पिक कर रहे हैं। एडिटेक्स के अंदर नेम, लेकिन बार बार आप नाम लिखोगे आपको किस तरह याद होगा इस नाम की बनी थी नहीं बनी। हाँ आप एडिटेक्स के थ्रू भी पिक कर सकते हैं, अगर आपने खुद इमेज का नाम देना है तो एडिटेक्स से पिक करो और यहाँ पे वैल्यू दो, लेकिन ये काम मुश्किल है, ठीक है। या कुछ और सिनेरियो भी होता है, आप कहते हो यहाँ पे मैं नाम लगता हूँ IMG और मैं काउंटर लगा देता हूँ 1 2 3 4 5, हर बार काउंटर में आपका आपका होगा डिफरेंट आएगा, लेकिन ये काम आप लंबा कर रहे हो। बेटर ये है आप उसी नाम से सेव करो जिस नाम से आपकी गैलरी के नाम से, तो मैंने इसका एल्गो लिख दिया, बस आप उसके अंदर यहाँ पे काम कर रहे हो, वो खुद ब खुद ही उसका नाम पे कर रहा है, कोड आपका लेंथी हो ही नहीं रहा। ये आपका पूरा एल्गोरिथम, क्लियर बात यहाँ तक। ओके लेक्चर आपको यहीं तक इनफ है।